माफिया मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो कभी जुर्म की दुनिया का शाहजहां रहा, लेकिन राजनीति में मुख्तार अंसारी आया तो ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़ों को मात दे दी। लंबा चौड़ा कद, रोबीली मूछें, दमदार आवाज, उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली नेता ने राजनीति में ऐसा दबदबा बनाया कि जेल से भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को चलाने लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करा गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत होना बताया। मुख्तार अंसारी कभी जुर्म की दुनिया का बादशाह रहा, लेकिन राजनीति में आया तो ऐसा खेल खेला कि बड़ों बड़ों को मत दे दी। उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली नेता को राजनीति में कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा सीट जीत चुके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी किसी ना किसी खबर का हिस्सा अक्सर होता ही रहा है। वो जेल में रहे या जेल से बाहर, वक्त वक्त पर इस बाहुबली नेता की खबरें सुर्खियां बटोर ही लेती थीं। पिछले 13 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम इस सीरीज में आपको इस बाहुबली के उन पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो उनके राजनीतिक करियर से जुड़ा ही होगा, साथ ही उसकी पर्सनल जिंदगी से भी ताल्लुक रखता होगा। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के इस बेताज बादशाह को क्या पसंद था, क्या नापसंद, कैसे बीता इस बाहुबली का बचपन और कैसे मुख्तार अंसारी ने रखा अपराध की दुनिया में पहला कदम। आज ये सब आपको श्रेष्ठ भारत बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवा रहा है कई ऐसे बाहुबली नेताओं का जिनका नाता जितना राजनीति से है उतना ही अपराध से भी है। ये बात दूसरी है कि अपराध साबित हुआ या नहीं, वो जेल में है या बाहर, लेकिन ऐसे नेताओं पर हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े आरोप लगते ही रहे हैं। उन्हीं में से एक मुख्तार अंसारी भी था, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। मुख्तार अंसारी, जो बेशक पूर्वांचल के माफिया डॉन के नाम से भी जाना जाता हो, लेकिन उसके परिवार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1926 से 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर अंसारी गांधी जी से बेहद प्रभावित थे और गांधी जी के काफी करीब भी माने जाते थे। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल में हमेशा से बड़ा रुतबा रखता था, साथ ही जनता के बीच उनका खासा सम्मान भी रहा। मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अंसारी के पिता लोगों के बीच काफी सम्मानित माने जाते थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा थे। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के ननिहाल की तो वो भी काफी ऊंचा और इज्जतदार घराना माना जाता था। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 की जंग में भारत को नवशेरा में जीत दिलाई थी। वह इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी शहादत के बाद ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने गौरवशाली परिवार से ताल्लुक रखने वाला आखिर कैसे जुर्म की दुनिया में पहुंच गया और मुख्तार अंसारी आखिर कैसे जुर्म की दुनिया में आया और अपना नाम कमाया। आखिर क्या वजह थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, एक बेहद सम्मानित आर्मी ऑफिसर का नाती का नाम हमेशा जुर्म की काली किताब में दर्ज रहा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने माफिया डॉन बनना चुना, तो चलिए अब वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी का बचपन बेहद अच्छे माहौल में बीता। मुख्तार अंसारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में की, उसके बाद गाजीपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो अक्सर खेलों में हिस्सा लेता। मुख्तार अंसारी को क्रिकेट और फुटबॉल में खासी दिलचस्पी रही। 1989 में अफशा अंसारी से मुख्तार की शादी हुई और 2 बेटे हुए। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा राजनीति में रहा, जबकि छोटा बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल प्लेयर रहा। इतने पढ़े लिखे और इतने इज्जतदार परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए अपराध की दुनिया को चुन लिया। 1988 में पहली बार मुख्तार का नाम किसी आपराधिक मामले से जुड़ा।
1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस से बचते हुए कांस्टेबल की हत्या के आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगे, लेकिन पुलिस को मुख्तार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसके बाद अंसारी के अपराध से जुड़ने की खबरें लगातार आने लगी। कहा जाता है पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ माना जाता था और 90 के दशक में इस फेहरिस्त में मुख्तार अंसारी का नाम शामिल हो गया। उन दिनों ये इलाका दो गैंग में बट गया था, एक था मुख्तार अंसारी का और दूसरा ब्रजेश सिंह का गैंग। ब्रजेश सिंह को एक और माफिया त्रिभुवन सिंह का साथ मिल रहा था। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों के गैंग में कई सालों तक खूनी खेल चलता रहा। 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला कर दिया था। बाद में इस मामले पर ब्रजेश सिंह को 12 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस मामले में इसी साल ब्रजेश को जेल से सशर्त जमानत देकर रिहा किया गया। कहा जाता है कि गाजीपुर, मऊ, बनारस इन सभी इलाकों में मुख्तार ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। कुछ ही सालों में उसका गैंग काफी मजबूत हो गया। ये भी कहा जाता है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी अंडरग्राउंड होकर असंवैधानिक कामों से जबरदस्त पैसा बना रहा था, जमीन कब्जा, शराब के ठेके, रेलवे ठेकेदारी, खनन जैसे कई अवैध काम मुख्तार करने लगा। दूसरी तरफ वो आम जनता की मदद करके अपनी छवि सुधारने का भी काम कर रहा था। अंसारी परिवार पूर्वांचल में अच्छा खासा रुतबा भी रखता था। साथ ही मुख्तार अंसारी ने गरीब लोगों के बीच अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली थी और इसलिए 1996 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मऊ सीट से मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और इस तरह पूर्वांचल का ये भूमाफिया अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश कर चुका था। मुख्तार अंसारी हर बार मऊ सीट से ही चुनाव लड़ता रहा और यहां से 5 बार लगातार विधायक भी चुना गया। 2002 और 2007 में मुख्तार अंसारी ने मऊ से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसने जीत हासिल की। विधानसभा की सीट तो वो जीत ही रहा था। 2009 में बीएसपी से ही मुख्तार ने लोकसभा वाराणसी सीट पर अपनी किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो अपना लोकसभा चुनाव हार गया। 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इसी पार्टी से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2017 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी ने बीएसपी का रुख किया और मऊ से फिर विधायक चुना गया। मुख्तार पर राजनीति में आने के बाद से कई मामले दर्ज होते रहे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या के आरोप में जब मुख्तार अंसारी पर कई और आरोप लगे तो ये मामला काफी सुर्खियों का विषय बन गया। दरअसल ये किस्सा शुरू हुआ मोहम्मदाबाद सीट से। ये सीट 1985 से अंसारी परिवार के पास रही और उस वक्त मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी इससे चुनाव लड़ रहा था। 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को यहां से चुनाव में मात दी। कहते हैं ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के निशाने पर आ गए। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की और हिंसा भड़काने के आरोप लगे मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन बाहर एक ऐसा खेल खेला गया जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद अपने काफिले के साथ गाजीपुर से क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर AK-47 से हमला कर दिया गया। कृष्णानंद समेत 5 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। कहा जाता है कि जेल में रहकर ही मुख्तार अंसारी ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक और रहमान की मदद से कृष्णानंद की हत्या करवाई। खैर, मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद रहा। पहले मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा, कई जेलों में सालों साल वो बंद रहा, लेकिन बावजूद इसके पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो कुछ समय तक पंजाब की रोपड़ जेल में भी रहा और रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने की खबरें भी सामने आई। कहा जा रहा था कि खुद कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी की तीमारदारी में लगे हुए थे। हालांकि बाद में एक बार फिर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में भेज दिया गया और मुख्तार जिस जेल में रहा, राजनीति की बिसात
वहीं से बिछाता रहा। वो जेल में ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलता रहा। अपने बेटे और भाई दोनों को सीट दिलवाने में मुख्तार अंसारी का हाथ रहा। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई, मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया, जबकि इस गैंग के कई गुर्गे अलग अलग आरोपों में जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और बहनोई एजाजुल की अवैध संपत्ति भी जब्त कर ली गई। अफजाल अंसारी और एजाजुल पर भी 2007 में कृष्णानंद हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। खैर, मुख्तार अंसारी का अब दी एंड हो चुका है और मुख्तार का परिवार उसे जहर दिए जाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी मौत हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा है। फिलहाल इसका सच क्या है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की पूरी जन्म कुंडली हमने आपको बता दी है। आपको ये कहानी कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।